नमस्कार स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर मिथुन राशि सितंबर अक्टूबर 2022 तीन राजयोग दो धनयोग में आपका इतिहास ही बदल जाएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि वाली जातकों के लिए सितंबर और अक्टूबर 2022 का महीना कैसा रहेगा आपका करियर कैसा रहेगा आपका व्यापार कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा साथ ही साथ स्वास्थ्य कैसा रहेगा एजुकेशन शिक्षा कैसी रहेगी और विदेश की स्थिति धन की स्थिति नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी साथ ही आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी प्रत्येक पहलुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे तो यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे गृह गोचरी स्थितियों के बारे में फिर हम आपके प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे देखिए सूर्यदेव की बात करें जो ग्रहों के राजा हैं तो ये पहले हम सितंबर महीने की बात करते हैं ग्रहों की फिर हम अक्टूबर के महीने की बात करेंगे तो सितंबर के महीने में सूर्यदेव सिंह राशि में रहेंगे सत्रह सितंबर तक फिर इसके बाद कन्या में गोचर करेंगे मंगलदेव वृषभ राशि में रहेंगे बुद्धदेव कन्या राशि में रहेंगे और दस सितंबर को ये वक्री होंगे गुरुदेव मीन राशि में वक्री शुक्रदेव सिंह राशि में रहेंगे चौबीस को इनका कन्या में परिवर्तन होगा और शनिदेव मकर राशि में वक्री राहु केतु में और तुला में रहेंगे केतु दोस्तों सितंबर के महीने में तीन ग्रहों की युति बन रही है एक बड़ा राजयोग बन रहा है क्योंकि हमने पहले ही कहा कि तीन राजयोग और दो धनयोग में आपका इतिहास ही बदल जाएगा तो सितंबर के महीने में बड़ा राजयोग नहीं कि त्रिग्रही राजयोग का निर्माण हो रहा है साथ ही साथ धन योग के भी निर्माण हो रहे हैं अब हम बात करेंगे अक्टूबर के महीने में ग्रह गोचरी स्थितियों के बारे में तो मिथुन राशको सूर्यदेव कन्या राशि से अठारह अक्टूबर को यानी कि तुला राशि में चले जाएंगे अपने नीच की राशि में वृषभ राशि में मंगल देव और फिर पंद्रह अक्टूबर को ये मिथुन में जाएंगे और फिर वक्री भी हो जाएंगे लास्ट में और बुध ग्रह आपके राशि के स्वामी वक्री होते हुए यहाँ पर यानी कि आगे बढ़ेंगे और मार्गी हो जाएंगे लास्ट में और यहाँ पर गुरुदेव की बात करें तो ये मीन राशि में वक्री शुक्र कन्या राशि में अठारह को फिर से ये तुला राशि में जाएंगे तो फिर से एक बार सूर्य और शुक्र की युति बनेगी तो ये एक विशेष राजयोग का निर्माण होगा और यहाँ पर शनिदेव वक्री होंगे केतु तुला में और राहु मेष राशि में, में भ्रमण करेंगे तो ये थी कुछ ग्रह गोचरी स्थितियाँ अब इन्हीं के आधार पर जानेंगे मिथुन राशि के यातकों कि आपके लिए सितंबर और अक्टूबर दो का महीना कैसा रहेगा किस प्रकार से आपका इतिहास बदल जाएगा तो देखिए इन दो महीनों में विशेष सफलताएँ प्राप्त होंगी विशेष लाभ होगा कैरियर और बिजनेस व्यापार की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो देखिए मिथुन राशि यात्रकों आपको कैरियर में सफलता प्राप्त होगी नई उपलब्धियां प्राप्त होंगी नए कारोबार से जुड़ सकते हैं नए व्यापार से जुड़ सकते हैं नए लोगों से जुड़ सकते हैं यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा क्योंकि आपको इन दो महीनों में नई उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी नई जॉब लगने की संभावना बन रही है साथ ही बता दें कि तीन राज्यों और दो धनयोग में विशेष लाभ और राजयोग का भी निर्माण होगा कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा एक तो यहाँ पर अक्टूबर के महीने में शुक्र और सूर्य सूर्य नीच में रहेंगे और शुक्र अपने स्वयं की राशि में रहेंगे तो नीच नीचभंग राजयोग के निर्माण से भी विशेष लाभ होगा अच्छे लाभ होंगे धन योग के निर्माण होंगे विशेष उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी अमृत सिद्धियों और सर्वाध सिद्धियों का निर्माण भी होगा जिससे आपको विशेष लाभ होगा बता दें कि मिथुन राशि के कारोबार का विस्तार करेंगे अच्छे कारोबार में आपको लाभ होगा कुछ नए कारोबार से जुड़ सकते हैं नए कारोबारियों के साथ आपके संपर्क हो सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी विशेष रहेंगे धन संपत्ति का लाभ मिलेगा और अच्छे कारोबार का विस्तार करेंगे लगातार आपकी आमदनी बढ़ती नजर आएगी यानी कि व्यापार में जो कमियाँ थी वो दूर होंगी और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होंगे अच्छे कारोबार का विस्तार करेंगे साथ ही साथ बता दें कि धन की स्थिति मजबूत रहेगी इन दो महीनों में पुराने मित्रों का सहयोग हो प्राप्त होगा साथ ही घर परिवार के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें खरीदारी करेंगे पार्टनर में काम करें तो कर रहे हैं तो पारदर्शिता रखनी होगी विश्वास और भरोसे के साथ आगे बढ़ना होगा तालमेल बेहतर बनाना होगा सिंगल जातक जो नौकरी या सिंगल जातक जो व्यापार कर रहे हैं मिथुन राशि उनके लिए भी विशेष रहेगा अच्छी उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी अच्छे कारोबार का विस्तार कर पाएंगे लगातार आमदनी बढ़ सकती है कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा अनसुलझे मुद्दे सुलझेंगे व्यापार वृद्धि होगी अच्छे लाभ के योग बने रहेंगे लगातार आपकी आमदनी बढ़ेगी कारोबार में विस्तार करेंगे बता दें कि आपके घर परिवार में भी खुशियाँ रहेंगी क्योंकि कुछ शुभ मंगल कार्य होंगे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा शादी व्या कई चर्चाएँ होंगी जो सिंगल जातक है और साथ ही साथ बता दें कि बिजनेस व्यापार करें तो कोई इम्पोर्टेंट डील आपकी प्राप्त होगी और इस डील के चलते आपका इतिहास ही बदल जाएगा साथ ही बैंक से लोन वगैरह मंजूर होंगे बैंक से लोन मंजूर होने से भी मिथुन रासद को आपका इतिहास बदलता हुआ नजर आएगा नौकरी में प्रमोशन होगा साथ ही महत्वपूर्ण सफलताएं बड़े अधिकारियों का सपोर्ट प्राप्त होगा और साथ ही संतान को लेकर आपका इतिहास ही बदल जाएगा संतान को लेकर जो समस्याएं चली आ रही थी मिथुन रासगद को वो सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको संतान की प्राप्ति होती नजर आएगी संतान के रूप में आपका इतिहास बदलेगा कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लाभ होगा यानी कि आपके लिए कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी लाभ के योग बने रहेंगे लगातार आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें घर परिवार के लोगों के सदस्यों के स्वास्थ्य का रूप यानी विशेष ध्यान दें सितंबर के महीने में आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है स्वास्थ्य का यानी कि हॉस्पिटलाइज खर्च बढ़ सकते हैं बुखार है या फिर पुरानी कोई बीमारी उभर सकती है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा सर्दी जुकाम जैसी समस्याएँ वायरल बुखार परेशान कर सकती है मिथुन राश कहत को जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा जीवन साथी के साथ संबंध काफी मधुर बने रहेंगे जीवन साथी के साथ कंधे से कंधे बनाकर मिलाकर चलेंगे और जीवन साथी से धन लाभ की प्राप्ति होगी अच्छे कारोबार का विस्तार करेंगे नए कार्यों से जुड़ सकते हैं नए लोगों से जुड़ सकते हैं आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे कारोबार में विशेष लाभ होगा बता दें कि आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त करेंगे महत्वपूर्ण सफलताएँ प्राप्त करेंगे अच्छे लाभ के योग बने रहेंगे लगातार आमदनी के स्रोत भी बढ़ेंगे बता दें कि प्रेम जीवन में खुशियाँ हैं लव लाइफ अच्छी रहेगी लपपाटर कुछ गिफ्ट और उपहार देंगे और साथ ही साथ इंजॉय मौज मस्ती करते नजर आएंगे अक्टूबर के महीने में दोनों जन घूमते फिरते नज़र आएंगे कुछ चीज़ें खरीदेंगे शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं ज्वेलरी वगैरह है, फिर आप सोने चांदी से संबंधित कोई चीज़ खरीद सकते हैं गिफ्ट उपहार भी दे सकते हैं वहीं स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा प्रतियोगी परीक्षा और कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिलेगा बड़े संस्था से जुड़ सकते हैं विद्यार्थियों के लिए काफ़ी विशेष रहेगा प्रारंभिक शिक्षा जिनकी है उनके लिए तो और भी विशेष रहेगा इंटरव्यू में पास होंगे इंटरव्यू अगर आप कहीं देने की तैयारियाँ कर रहे हैं तो मिथुन राज के हाथ को इन दो महीनों में विशेष लाभ होगा साथ ही बड़ी कंपनी से ऑफर आ सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ दूर होंगे स्वास्थ्य का उत्तम लाभ ले पाएंगे स्वास्थ्य को लेकर जो समस्याएं चली आ रही थी जो परेशानियां चली आ रही थी वो दूर होंगी अच्छे स्वास्थ्य का लाभ ले पाएंगे कारोबार में विशेष लाभ होगा अच्छे कारोबार का विशेष यानी लाभ होगा धन संपत्ति में भी लाभ होगा अच्छे कारोबार से जुड़ सकते हैं महत्वपूर्ण लाभ होगा और कुछ अच्छे कार्यों में उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे घर में भी आपके सुख समृद्धि बनी रहेगी कोई किसी प्रकार कोई कमी नहीं महसूस होगी जीवन में चली आ रही परेशानियाँ भी समाप्त होगी दोस्तों मिथुन राशि खतकों ये दो महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मित्रों का सहयोग रिश्तेदारों में सुलह होगी माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा कई धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं माता पिता और घर में कोई शुभ मंगलकार होंगे पद पत्नी के बीच संबंध काफ़ी मधुर होंगे संतान की तरक्की होगी उपाय की बात करें तो मिथुन राशि को सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको भगवान गणेश जी की पूजा करनी है और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करनी है और आपको क्या करना है कि एक मंत्र जाप करना है ओम गम गणपति नमय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें गणेश भगवान को दूरबा चढ़ाएं तो इससे आपको विशेष लाभ होगा तो ये था मिथुन राशि वाली जातकों के लिए सितंबर और अक्टूबर दो का राशिफल तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जय शनिदेव